नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के सैलरी के बारे में कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी टीचर के लिए कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, फाइनल सैलरी क्या क्या होगा, सभी कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक पे स्केल फॉर सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर देख रहे होंगे बेसिक पे स्केल क्लास 9 से 10 तक के लिए सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए बेसिक पे स्केल कितना होगा, तो ये होगा 19,532 रुपये होगा बेसिक पे स्केल। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी टीचर क्लास 9 से 10 के लिए HRA मिलेगा आपको 1,563 रुपये और DA यहाँ मिलेगा, DA देख सकते हैं कि 3,320 रुपये आपको DA मिलेगा। अगर टोटल हम ऐड करें, टोटल अगर हम ऐड करें बिना मेडिकल के अभी ऐड किया मैंने, तो 25,415 रुपये आपको टोटल यहाँ पे मिलने वाला है क्लास 9 से 10 में। अगर आप टीचर बनते हैं तो बिहार एस्टेट में आपको 25,415 रुपये मिलेगा और 1,000 रुपये आप मान के चलिए कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको 1,000 मिल जाएगा, मतलब 26,415 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वही हम बात करें बिहार एस्टेट सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए जो कि क्लास 11-12 के लिए होते हैं, उनको जो बेसिक पे स्केल मिलेगा वो मिलेगा, बेसिक है उनको मिलेगा कितना, 20,560 रुपये मिलेगा। HRE कितना मिलेगा, HRE मिलेगा आपको 1,650 रुपये और DA मिलेगा 3,500 रुपये। ठीक है, टोटल जो आपका सैलरी बन जाएगा वो 26,710 रुपये बन जाएगा, जो टोटल पे स्केल आपका बन जाएगा 26,710 रुपये और 1,000 यहाँ का ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 27,710 रुपये आपको टोटल सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें अर्बन एरिया में कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, HRA कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, DA कुछ ज़्यादा मिल सकता है, तो अर्बन एरिया वाइज भी आपका सैलरी जो होगा वो डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बेसिक बताया, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ देखिएगा ये जो सैलरी होगा वो वैरी भी कर सकता है, मतलब चेंज भी हो सकता है सिटी वाइज। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो आपका जो शुरुआत में मैं फिर से बताना चाहूँगा, क्लास 9 से 10 तक के लिए अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको 26,415 रुपये मिलेगा और क्लास 11 से 12 के लिए आप टीचर बनते हैं तो आपको 27,710 रुपये मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे और इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, थैंक यू।